हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रेशूज ब्लॉग्स में। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूं कि एक ही महीने में एक सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है और एक चंद्र ग्रहण पड़ने वाला है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की, जैसे आपको पता है, प्रेगनेंसी में बहुत सारी सावधानियां रखनी पड़ती हैं, जो कि मैंने खुद रखी हुई हैं। इसीलिए मैं आप सबको भी बताती हूं कि आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वो कब सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है और कब चंद्र ग्रहण पड़ने वाला है, जो कि एक सटीक जानकारी है, डाउट रखने की जरूरत नहीं। सबसे पहले पड़ने वाला है उपछाया चंद्र ग्रहण। जैसे उपछाया का मतलब है कि पूरे तरीके से नहीं दिखाई देता है ग्रहण, केवल उसकी चंद्रमा के ऊपर छाया टाइप की दिखाई देती है, छाया जैसी दिखाई देती है, धुंधलापन दिखाई देता है, जिसको कि हम उपछाया चंद्र ग्रहण कहते हैं। 5 जून 2020 को ये उपछाया चंद्र ग्रहण पड़ने वाला है, जो कि भारत के साथ साथ यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, अफ्रीका और दक्षिण पश्चिमी अमेरिका में दिखाई देगा। 3 घंटे और 17 मिनट का ये चंद्र ग्रहण रहने वाला है, 11:16 से 2:34 तक। जैसे माना जाता है, कई लोग आपको मतलब अफवाहें फैला, आपने भी सुना होगा कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, ऐसा गर्भवतियों पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन फ्रेंड्स, आप लोगों की केयर मैं करती हूँ, इसलिए आप लोगों को हर टाइम मैं चाहती हूँ कि आप हर एक प्रॉब्लम से बचें। इसीलिए हर एक जो भी मतलब सावधानियाँ हैं वो मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। तो आज मैं आपसे एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। जैसे लोग कहते हैं ना कि चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण का कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि इन चीज़ों का फ़र्क पड़ता है। मेरी जी कज़न सिस्टर है, वो ग्रहण में बाहर निकल गई थी और वो उस टाइम 6 मंथ प्रेग्नेंट थी। उसको पता नहीं था कि मतलब चंद्र ग्रहण है या कुछ भी, उसे इन्फॉर्मेशन नहीं रखी, उसको किसी ने नहीं बताया, क्योंकि वो भी ऐसे ही अकेले रहती थी, कोई मतलब फैमिली के साथ नहीं रहती थी, तो उसको पता नहीं था, किसी ने नहीं बताया। तो वो ग्रहण में बाहर निकल गई, मतलब हल्की छाया उसके ऊपर पड़ गई, ग्रहण की छाया उसके ऊपर पड़ गई। फिर क्या हुआ, जब उसकी डिलीवरी हुई तो उसकी जो बेटी हुई उसकी आईज़ टोटली बंद थी, मतलब बिल्कुल जो आईज़ थी वो जो दोनों होते हैं बिल्कुल चिपकी हुई थी, बिल्कुल टोटली, जब उसका जन्म हुआ तो उसकी आईज़ बिल्कुल चिपकी हुई थी। अभी तक वो 4.5 ईयर की हो चुकी है, अभी तक उसकी आईज़ बिल्कुल जरा सी ओपन हुई है, वो भी डॉक्टर ने उसका ऑपरेशन किया है तब जाके उसकी आईज़ ओपन हुई है, हल्की सी, फिर भी उसकी आईज़ में डिफेक्ट है। तो इसीलिए बहुत लोग मानते हैं ना कि चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इफेक्ट पड़ता है। जब मतलब जब पुराने टाइम से बूढ़े बुजुर्ग ऋषि मुनि सभी मानते आए हैं, अपनी पुस्तकों में लिखते आए हैं कि गर्भवतियों पर ग्रहण का बुरा असर पड़ सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी इस अफवाह में हैं कि ग्रहण का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, पड़ता है, इसीलिए आप केयर से रहिए। ग्रहण की छोटी सी भी छाया कुछ भी आप पर नहीं पड़नी चाहिए। तो अगर आप इस टॉपिक पर डिटेल में वीडियो चाहते हैं कि ग्रहण में कैसे सेफ रहें, क्या करना चाहिए, मैंने बहुत सी ग्रहण में सावधानियां अपनाई हुई हैं, सारी सावधानियों को डिटेल में जानना है आपको, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। उस वीडियो का आप ज़रूर देखिएगा और हर एक सावधानी को फॉलो ज़रूर कीजिएगा, जिससे ग्रहण के दौरान आप भी सेफ रहेंगे और आपका बच्चा भी सेफ रहेगा। अब हम जान लेते हैं कि जून के महीने में ही सूर्य ग्रहण भी पड़ने वाला है। चंद्र ग्रहण के बारे में तो हमने जान लिया कि 5 जून को उपछाया चंद्र ग्रहण पड़ने वाला है, दूसरा जून के महीने में ही सूर्य ग्रहण भी पड़ने वाला है, 21 जून को, जो कि रविवार को पड़ने वाला है, उस दिन अमावस्या भी है। इस साल का सबसे लंबा ग्रहण होने वाला है, जिसकी टाइमिंग है 5 घंटे 48 मिनट और 3 सेकंड, जो कि काफ़ी लंबा सूर्य ग्रहण होने वाला है, सुबह के 9:15 से दोपहर के 3:04 तक, जो कि काफ़ी लंबा सूर्य ग्रहण होने वाला है। फ्रेंड्स, तो आपको इस सूर्य ग्रहण में सारी सावधानियां रखनी है, इसकी डिटेल में इन्फॉर्मेशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, अगर इसमें बताऊंगी तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो अब मैं आपको इसकी सारी इन्फॉर्मेशन के सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में आपको क्या क्या केयर करनी है और कैसे सावधानियां रखनी है, जो कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहेगा, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो उस वीडियो का वेट कीजिए और वीडियो को ज़रूर देखना फ्रेंड्स, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, कोई भी गलती होने की ग्रहण में गुंजाइश नहीं होगी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, और अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इसी तरीके के और भी वीडियो देखने के लिए, अगर जैसे आप और भी मेरा नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और उसका नोटिफिकेशन भी आपको तभी मिलेगा जब आप
साइड में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके ऑल पर क्लिक करेंगे। ऑल पर क्लिक करने से क्या होता है कि सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी कि मैंने कब कौन सा वीडियो अपलोड किया है, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।